भागलपुर के मुंदीचक मोहल्ले के लक्ष्मी जनरल स्टोर से राशन कार्ड के नाम पर अवैध उगाही की जानकारी मिलते ही भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा मुंदीचक पहुंचे और दुकान से कई वार्ड के राशन कार्ड वितरित किए जाने पर जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उप महापौर ने उनके वार्ड में वितरित किए जाने वाले दर्जनों कार्ड को जब्त भी किया। वहाँ पर 100 से ज्यादा राशन कार्ड जो है उपलब्ध है, 100 से ज्यादा राशन कार्ड जिसमें वार्ड नंबर 35, 36, 37, 38 चारों के हैं। और अभी दीदी बोल रही हैं कि ये कार्ड परसों आया है, 10/8/2020, 10/8/2020 मतलब आप 18 दिन से इनके पास यहाँ पर है। वार्ड की जनता यहाँ पर आ रही है, ये लोग पैसा ले रहे हैं, पैसा ले लेके राशन कार्ड दे रहे हैं। कोई पैसा ज़्यादा दे दे रहा है तो दूसरे का भी राशन कार्ड ये दे दे रहे हैं। बहुत सारे वार्ड के ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायत जब मुझ तक पहुंची कि हमारे राशन कार्डों कोई दूसरा आदमी साइन करके ले गया, हमारा राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, तब मुझे यहाँ पर आना पड़ा मजबूरन। वार्ड 37 के विकास मित्र बबीता देवी ने बताया कि लक्ष्मी जनरल स्टोर उनके पति की दुकान है और अनुमंडल के पदाधिकारी के द्वारा उन्हें वार्ड 36, 37 और 38 के लाभुकों के बीच राशन कार्ड बांटे जाने का दिशा निर्देश दिया गया था और इस दौरान लाभुकों के द्वारा खुशी से राशन कार्ड के नाम पर 20 से 30 रुपया उन्हें दिया जा रहा था, जबकि सरकार के द्वारा प्रत्येक राशन कार्ड पर 2 रुपये लिए जाने की बात कही गई है। वार्ड में बांटने के लिए सर, वार्ड में बांटने के लिए दिया गया। सारे वार्ड का कार्ड दिया आपको? 36, 37 और 38 जी। क्या है जो आपको दे दिया? वार्ड विकास मित्र हैं। अच्छा, वार्ड के 37 के दुकान में इसको क्यों रखते हैं? मैंने घर है बगल में सर, हम सोचे यहाँ रख देते हैं, चल गए हाजिरी बनाने गए सर। तीनों वार्ड को आप ही को दे दिया? हाँ जी जी जी, तीनों वार्ड को। अब वो तो अनुमंडल है ना, पूछिएगा अनुमंडल से। कितना रुपया लेके आप दे रहे हैं? कोई रुपया नहीं सर, ऐसा कोई रुपया नहीं सर। रुपया सर 2 रुपया लेने का है, खुशी से 2 रुपया। हम अपने हाथ से कहाँ लिए पैसा सर? आपके पति लिए है ना, बताइए कितना रुपया लिए आपके पति? वहीं मार्केटिंग अफसर ने कोरोना के संक्रमण काल में जिला प्रशासन के द्वारा कार्ड के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिए जाने की बात कहते हुए बांटने के लिए दिए हुए 132 में 126 कार्ड वापस कर दिए जाने की बात कही। हमारे SDM सर जो है कि कार्ड का मूल्य 2 रुपया होता है, सरकारी जो होता है उसका, लेकिन इस बार जो है कि बिना मूल्य का ही वितरण करना और बिना मूल्य का ही वितरण किया गया अभी तक। वहीं सदर अनुमंडलाधिकारी आशीष नारायण ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। अभी कुछ राशन कार्ड जो वितरण के लिए बच गए थे और हाल में प्राप्त हुए हैं उनको वितरित करने के लिए दिया गया था, इसमें से 132 राशन कार्ड एक विकास मित्र को दिया गया है जो वितरित करना था उनको, और जो शेष उनके पास बचे हुए राशन कार्ड थे जो अवितरित थे वो उनको अनुमंडल कार्यालय में जमा करना था। जानकारी मिली कि उन्होंने 6 राशन कार्ड बांटे हैं और शेष 126 राशन कार्ड वो यहाँ जमा करने आ रही थी और शायद उन्हीं के पति की दुकान है जिसपे उन्होंने उन राशन कार्डों को रख दिया था, और उसी की जाँच के लिए MOs की टीम बनाई गई है और भेजा गया है उन्हें जाँच की रिपोर्ट आने के बाद। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 44 में हसनगंज के शिवनगर में अवैध संबंध में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को घर के बाहर फेंक दिया। पत्नी के द्वारा हत्या के मामले को छिपाने के लिए इसे जहरीली शराब से मौत होने का कारण बताते हुए पुलिस को बरगलाने की कोशिश की गई, लेकिन मुजाहिदपुर थाना पुलिस और FSL की टीम के द्वारा त्वरित जांच के बाद हत्यारिन पत्नी की अंगूठी में उसके पति के खून का निशान मिलने के बाद पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। CTSP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि अवैध संबंध के कारण पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। वहीं रिश्तों को तार तार कर देने वाली इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। हत्या हुई, उसके पीछे पत्नी और पत्नी का जो जिसे कह प्रेमी कह सकते हैं उनका संबंध था, दोनों मिलकर के हत्या की है और पत्नी गिरफ्तारी भी हो गई है और FSL से भी टीम आई थी, उसने जांच किया है क्योंकि मृतक के गाल पे गर्दन पे खरोंच का निशान था और जो पत्नी है पत्नी के अंगूठी पे भी खून का निशान मिला है और नाखून में भी खून का दाग मिला है, इसका FSL सैंपल कलेक्ट किया।
मेरा पापा को जो है मार दिया है, मेरे मम्मी और जट्टा दोनों मिल कर के। अच्छा। जट्टा घर हुआ सड़क, हम दुकान पे काम करते थे। हम कहाँ काम करते थे? अलीगंज में डाट बट। 4 बजे भोरे में हमको फोन चल गया कि पापा वहाँ डेथ हो गया है। तब फिर हम आए, तब उसका बाद फिर पुलिस तुलिस आए, तब पूछ जाँच किए, फिर उसका बाद उसको थाना लग गए। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुल्तानगंज विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के अध्यक्षता में एक सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व विधायक सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन, पूर्व विधान पार्षद पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा ने विधानसभा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा ने कहा कि विधानसभा के 325 बूथ पर मजबूती से हमारा संगठन तैयार हो, इसको लेकर के काफ़ी मेहनत हुई है, 100% बूथों पर संगठन बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि वर्चुअल मीटिंग के बाद यह फिजिकल मीटिंग का पहला मौका है। केंद्र की नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के सरकार ने कोरोना में बेहतर काम किया है, जिसका आशीर्वाद आने वाले समय में बिहार की जनता देगी। 29 अगस्त जो वर्चुअल बैठक हमने किया था, उसको हमने जमीन पर फिजिकल बैठक आज मैंने पूरा किया है। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के बिहार के 2 वरिष्ठ नेताओं का टीम हर विधानसभा में जा रही है और राजनीतिक समीक्षा से साथ साथ संगठनात्मक काम को हम पूरा करने कर रहे हैं। हमारा जो सप्तऋषि बूथ पर जो बनाए हैं, उसका हम फिजिकल एक बार अध्ययन कर रहे हैं। शक्ति केंद्र जो पंचायत पर है, एक पंचायत को हमने एक शक्ति केंद्र माना है, वो शक्ति केंद्र अध्यक्ष कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमने जो मंडल कमिटियां, चाहे समाज के जो वर्ग हमारा है, जिसका हमने डाटा इकट्ठा किया है, उसका समीक्षा कर रहे हैं। यानी कि 2020 का जो चुनाव है, उस चुनाव का फिजिकल तैयारी मैंने पूरा करने का हम लोग प्रयास किया है और बहुत बड़ी आज बैठक में यहाँ सफलता मिली सुल्तानगंज विधानसभा में। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सुल्तानगंज विधानसभा प्रभारी राधा मोहन शर्मा, राजीव रंजन, जिला प्रभारी रामानंद चौधरी, जिला उपाध्यक्ष पवन मिश्रा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अभय वर्मन, जिला महामंत्री देवव्रत घोष, अभिनव सिंह, अरुण चौधरी, महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष श्वेता सिंह, जिला उपाध्यक्ष कन्हैया मंडल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव बूथ कमेटी की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में पीआरओ बॉबी मिश्रा, आईटी सेल एवं सोशल मीडिया संयोजक मनोरंजन मिश्रा, वरिष्ठ नेता विजय सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी किसान मोर्चा संयोजक कन्हैया झा, मनोज सिंघानिया, बन्नी कुमार बन्नी, संजय चौधरी, चंदन कुमार, अलका चौधरी एवं भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर जिलाधिकारी के आदेशानुसार पवित्र त्योहार मुहर्रम को लेकर जिला के सभी क्षेत्रों में कोरोना महामारी को देखते हुए सभी सामाजिक संगठन के सहयोग द्वारा अखाड़ा, मेला एवं पैकर किसी प्रकार के जुलूस या भीड़भाड़ नहीं लगाएंगे। दूसरी ओर मौलाना चक मैदान एवं शाहजंगी मेला मैदान सराय किला घाट में सरकार के द्वारा मैदान में बांस से बैरिकेडिंग करा दिया गया है। आपको बता दें कि मुहर्रम त्योहार को लेकर जिस स्थान पर बैरिकेडिंग किया गया है, उस स्थान पर हजारों की संख्या में मेला देखने लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं मुहर्रम की 7 तारीख को सराय किला घाट में हजारों की संख्या में फातिया कराने लोग आते हैं, मगर इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार सरकार के इस आदेश का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भरपूर सहयोग किया है एवं ततारपुर थाना की पुलिस मुस्तैदी के साथ यहां डटी हुई है। जैसा कि आज 7वीं तारीख है और प्रशासन ने जैसे कि पिछले लगातार जो है प्रशासन और सरकार से लेकर प्रशासन तक और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी लगातार जो है ये कही है कि कोरोना महामारी में जो हम लोगों को जो है मुहर्रम कोरोना को देखते हुए मनाना है और प्रशासन ने पूरी तरह चौकस है। आज 7वीं तारीख किला घाट में लाखों लोग आते हैं यहाँ पर पीछे इमामबाड़े पर पैकर बनने के लिए, लेकिन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग समझ रहे हैं कि यह है। और आप देखें शाहजंगी जहाँ के लाखों की संख्या में मैदान में मेला लगता है,
वहाँ बांस बल्ले से प्रशासन के द्वारा जो है घेराबंदी की गई है। मौलाना चक जो मैदान है मियाँ साहब का मैदान, वहाँ ताजिया उठती है, वहाँ भी बांस बल्ले से प्रशासन ने लगा दिया है। कोरोना काल में भागलपुर नगर निगम का विद्युत शवदाहगृह एक बार फिर से बंद हो गया। कोविड से होने वाली मौत के बाद लाश को जलाने में हंगामे को लेकर 17 जुलाई 2020 को विद्युत शवदाहगृह को चालू किया गया था, लेकिन 26 अगस्त 2020 को एकाएक शवदाहगृह में आंतरिक खराबी आ गई। संचालक राहुल ने बताया कि विद्युत शवदाह मशीन के भट्टी के अंदर की खराबी है और उसे ठीक करने में कम से कम 3 दिन का वक्त लगेगा। टेक्निकल खामी है जी, वो कल सुबह से ही हुआ है। टेम्परेचर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, टेम्परेचर का पूरा लो रह रहा है। अब खामी है तो काम तो ऐसे एक दो घंटा का, लेकिन भट्टी ठंडा आने के बाद ही कोई वर्क होगा। अच्छा, भट्टी ठंडा आने में कम से कम 3 दिन। आईजी कारा मिथिलेश मिश्रा ने कहलगांव क्रिमिनल कोर्ट के लिए जेल निर्माण हेतु प्रस्तावित 3 जमीनों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नारायणपुर पूर्वी टोला तथा लालापुर चौक के बगल की जमीन को देखा और इससे जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की। उनके साथ जिला के अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, एसडीओ सुजय कुमार सिंह, एएसडीएम शंभू शरण सिंह, एसडीपीओ डॉक्टर रेशु कृष्णा, बीडीओ विजय कुमार सौरभ, सीओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे। शांतिपूर्वक मुहर्रम संपन्न कराने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देश पर सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में भागलपुर में फ्लैग मार्च निकाला गया। कोतवाली थाने से निकला फ्लैग मार्च पूरे शहरी सहित क्षेत्र का भ्रमण करते हुए कोतवाली थाना पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान सिटी एसपी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा मुहर्रम पर्व को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन कराने एवं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाए जाने की अपील लोगों से की गई। फ्लैग मार्च के दौरान शहरी क्षेत्र के सभी थानेदार मौजूद थे। मायागंज अस्पताल में गोली से जख्मी एक 27 वर्षीय युवक का इलाज के दौरान ही मौत हो गई। मृतक युवक राकेश कुमार तांती उर्फ रॉकी नया रामनगर थाना जिला मुंगेर का निवासी बताया जा रहा है। मृतक के भाई ने कहा कि हथियार से लैस 7 अपराधियों ने रामनगर मोर्चा के समीप गोली मार दी, जिससे मेरा भाई बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी हालत में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक का कोरोना संदिग्ध की बात भी सामने आ रही है, जबकि परिजनों का कहना है कि विगत कुछ दिन पहले उनकी कोरोना जांच की गई थी, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव पाया गया था। मामला था कि सर मेरा भाई आ रहा था उधर से पास लगाए, लेकर अंडा खाने लगा, उधर से आया धराक धराक, 7 अपराधी था उसमें। उसके बाद इसको गोली से माथा में जहाँ तहाँ।